हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि MIUI 9.2.3.0 का अपडेट आ गया है Redmi 4 के लिए। तो Redmi 4 में आपको जैसे कि पता ही होगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे। कॉलिंग के टाइम में आपका जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है उस पर प्रॉब्लम आ रहा था, ऑटो ब्राइटनेस का प्रॉब्लम आ रहा था, इवन यूट्यूब के वीडियो पर लैगिंग हो रहा था, ये सब प्रॉब्लम आ रहा था। तो ये अपडेट आया है, नया अपडेट, इस पे यूआई का कुछ फिक्सेस किया है, न्यू ऐप लॉक दिया है, न्यू मी मूवर दिया है और वगैरह वगैरह वगैरह। तो चलिए इसको रिबूट करते हैं और देखते हैं क्या क्या आया है। तो मैं रिबूट कर लेता हूँ अपने फोन को। सकते हैं फोन है, रिबूट हो गया है। तो ओपन कर लेता हूँ, पैटर्न डाल देता हूँ, एक सेकेंड। ये पैटर्न डाल दिया और जैसे कि आप फर्स्ट इम्प्रेशन देख सकते हैं, ये ऐसा दिख रहा है, पहले जैसे सेम टू सेम पहले जैसा ही लग रहा है। बट इस पे मी वीडियो आ गया है, मी वीडियो प्लेयर ये आ गया है और सर्च ऑप्शन आ गया है लेफ्ट करने से। तो आपको कमेंट में जैसे कि आप बोल रहे थे ये नहीं आया, तो ये आ चुका है ये अपडेट पे, और मतलब जो आज अपडेट आया उस पे आ चुका है। और बाकी सब कुछ नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल, और लैग भी नहीं हो रहा है, उतना लैग नहीं हो रहा है अभी। लैग तो हो रहा नहीं है, बाद में क्या पता लैग हो सकता है। तो मैं इसका कमेंट में डाल दूंगा अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो, नहीं प्रॉब्लम रहेगा तो सब ठीक है, कुछ नहीं डालूंगा। तो ये सब देख सकते हैं, सिक्योरिटी ऐप का यूआई एंड वगैरह वगैरह वगैरह। चलो सेटिंग्स में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउट फोन नहीं मिल रहा है, क्योंकि अबाउट फोन जो हो गया है वो टॉप में चला गया है। और यहाँ देख सकते हैं सिक्योरिटी पैच आपको दिसंबर का मिलेगा, दिसंबर 1 का, जनवरी का नहीं मिल रहा है सैडली। बट कोई बात नहीं, चलता है, MIUI अपडेट तो देता है एटलीस्ट, लेना वो तो उतना भी नहीं करता। सो एनीवेज देख सकते हैं, ये था मेरा छोटा सा वीडियो Redmi 4 के अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। और जय हिंद।